अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद सनी रज़ा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो आइसक्रीम का केक लेके आई हूँ, जिसमें एग भी नहीं डाले जाएंगे, बटर भी नहीं डाला जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आइसक्रीम पहले बनाऊँगी इसकी, मैं आइसक्रीम इस पर लगाऊँगी, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूरी नहीं कि केक पर लगाएँ, वैसे भी अगर वो आइसक्रीम आप खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। बच्चों के लिए स्पेशली ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा ये जो मैं केक बनाऊंगी, ये तकरीबन जैसे पैन केक का टेस्ट होता है, इस तरीके से ये टेस्ट होगा, लेकिन बहुत मज़े का होगा। तो आपने जब भी फ्रूट वाला केक बनाया तो फ्रूट अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका केक का जो फ्लेवर है वो भी मज़े का हो जाए। इसको कटिंग कर लेती हूँ क्यूब्स में, छील के ना। उसके बाद हाफ कप कुकिंग ऑयल लेना है, हाफ ही कप मैंने शुगर लिए, जो दानेदार लिए, इसको ग्राइंड कर लेना है। मैंगो भी मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिए। तीनों चीज़ों को बस ब्लेंडर वाले जग में डालना है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बस बहुत ही जल्दी जल्दी से मेरा केक रेडी हो जाएगा। इसको तकरीबन आपने 30 सेकंड के लिए ग्राइंड करना है, ताकि एक अच्छा सा शेक इसका रेडी हो जाए। इसमें ऑयल बहुत डाला हुआ है, ध्यान रखिएगा कहीं इसी तरीके से शेक बना के ना पी जाइएगा। केक के लिए ये रेडी कर रही हूँ मैं। तो दूसरी साइड पे 1 कप मैंने लिया है मैदा, ठीक है। उसके बाद 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर मैंने ऐड कर दिए, इसको अच्छे से मिक्स किया है। और जो मैंने शेक बनाया हुआ था वो सारा इसमें डाल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त से मिक्स करें इसको, जितना अच्छे से मिक्स कर सकते हैं आप करें, ताकि ये इसके जो मैदा और बेकिंग पाउडर ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो आपका केक अच्छा बन जाएगा। गर्मियों में मैंगो तो सबके स्पेशल होते हैं, सबके फेवरेट होते हैं, तो फिर सोचा क्यों ना मैंगो के से ही कुछ बनाया जाए। हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है मैंगो, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद होंगे। कोई ऐसा इंसान तो नहीं है मेरे ख्याल में जिसको मैंगो नहीं पसंद है। तो इसी तरीके बच्चों के लिए बनाएं घर में। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसमें जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है आपने 2 टेबल स्पून उसमें डाल देना। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छे से बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करें जल्दी जल्दी से, और ये रेडी हो गया है। बस अब क्या करना है, पैन लेना है, उसमें ऑयल लगाना है, लगा के साथ ही आपने बटर पेपर लगा देना है। चलें जी, जल्दी से जितना भी मिक्सचर रेडी किया उसको जल्दी जल्दी से इसमें डाल देना। डाल के उसको थोड़ा सा टैप टैप करके, जैसे फ्लोर पे लग मारते हैं, ताकि ये बबल्स वगैरह जो बनते हैं या इस तरह मैदा वगैरह कुछ भी हो तो उसकी में जो हवा भर जाती है तो वो सारी निकल जाए, उसकी एयर निकल जाए। तो बस उसको साथ ही बेक करने के लिए रख देना। मैं 2 तरीके से बेक करने का तरीका आपको सिखाऊँगी, एक तो ओवन में, वो पहले भी सिखा सके, एक मैं पतीले में बनाना, ठीक है। पतीले में भी बनाना जो गैस पे हम बनाते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगी जी। टैप टैप इस तरह करें। हाँ जी, तो अब क्या करना है, जो गैस पे बनाने लगी हूँ, एक बड़ा पतीला लिया है, उस पर एक छोटी बर्तन रखा है, उसको उस पर केक रख दिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया है 45 मिनट के लिए, और उसको छोड़ दिया मैंने जी। ये प्री हीट ज़रूर कीजिएगा पतीला, ये याद रखिए कि अगर आपने प्री हीट नहीं किया तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, 1 कप भर के मिल्क लिया है, उसमें जो मैंने उसके शेक रेडी किया था केक के लिए, तो वो डाल दिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून। साथ ही मैंने दूसरी साइड पे 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया, वो पकने के लिए रख दिया, तो इधर 1/2 कप सॉरी दूध लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स किया है, इधर ये पक गया है, तो साथ ही मैंने कॉर्नफ्लोर वाला दूध इसमें ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है जी। तो मैंगो आइसक्रीम रेडी हो रही है, तो अभी ये फ्रिज में जाने के लिए तैयार है। दूसरी साइड पे मेरा केक भी बेक हो गया है। केक मैंने ओवन में बेक करने का टाइमिंग है तकरीबन ये 25 मिनट्स हैं, और इसको आपने 200 पे रखना है। हाँ जी, तो केक मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, ज़बरदस्त केक का कलर भी अच्छा आ गया। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जो ये केक है, एक केक की तरह बिल्कुल, इसका स्पंज बहुत ज़्यादा नहीं फ्लफ़ी बनता है, इसका स्पंज बस थोड़ा सा पैन केक से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये अच्छा बन जाता है। फ्रेश क्रीम ली है मैंने, फ्रेश क्रीम अच्छे से लगा दी है इस पर, इसका फ्रेश क्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि जो मेरी फ्रेश क्रीम थी तो वो फ्रीज़ की हुई थी, तो फ्रीज़ में थोड़े से इस तरह बन गए थे बबल्स वगैरह, लेकिन ये सही थी। उसको मैं निकाल के जल्दी से उस पर लगाया, साथ ही मैंने
उसके बाद जो मैंगो आइसक्रीम बनाई थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी ठंडी होने के लिए, जब बिल्कुल ठंडी हो गई है तो मैंने साथ ही इस पर लगा दिए, अच्छे से लगाए, ये थोड़ा थोड़ा से साइडों से जो है ये खुद ही ये ऐसा ऐसा नीचे को गिर के और बिल्कुल केक आपका रेडी हो जाएगा। इसको अब मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। दूसरी साइड में कोई फ्रूट्स में आपको जो पसंद है आप फ्रूट्स ले सकते हैं, बनाना लें, मैंगो लें, इस तरीके से कटिंग करें, क्यूब्स में भी आप कटिंग कर सकते हैं। बनाना आपने याद रखना है मेरी तरह, आपने नहीं करना है कि पहले से कटिंग करके रख दिया और बनाना आपके ब्लैक थोड़े थोड़े ब्लैक हो जाए, तो मैंने पहले से कटिंग कर लिया था इसलिए ब्लैक हो गए थे थोड़े। तो आपने देख लीजिएगा जब आपने यूज़ करना हो केक खाना हो किसी ने, तो फिर उस टाइम ही आप इस पर लगाइएगा, कोई गेस्ट आने वाला हो तो फिर आप लगाइएगा इसके ऊपर। जी मज़े का ज़बरदस्त सा डेकोरेट कर रही हूँ, मुँह में आया ना पानी, बहुत ही मज़े का बन रहा है। आपने ख़ुद से ट्राई करना है फिर और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपका कैसा बना। बच्चों का तो मेरे ख्याल में बहुत ही फेवरेट होगा मैंगो, गर्मियों का मौसम है सबको मैंगो बहुत पसंद है। अच्छा जी ऊपर अब मैंने क्या किया, ड्राई कोकोनट पाउडर जो होता है वो इस पर डाल दें, बादाम आप कटिंग करके डाल दें जो आपको पसंद है। ये तो बस ऐसे ही है जो चीज़ मुझे नज़र आती है, बस मैं अपने अंदाज़ में करने की कोशिश करती हूँ, तो आप भी अपने अंदाज़ में करने की कोशिश किया करें ताकि अच्छा बने और अपने दिमाग से सोचा करें कि कुकिंग किस तरह की जाए तो आपकी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाया करेगी। हाँ जी केक तो बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्रिज में जाने के लिए तैयार है, और इसको निकालें और मज़े से खाएं। ये आपने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तो मस्ट है आपने फ्रीज़र में रखने, नहीं तो आप 20-25 मिनट भी रख सकते हैं और आपका केक आइसक्रीम केक इतना ज़बरदस्त रेडी होगा कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। ओके जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।